हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 14C पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कह रहा है कि 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये हैं। यहाँ पे देखिए, 30 विद्यार्थियों के ब्लड ग्रुप दिए गए हैं। ए किसी का बी है, किसी का ओ है, किसी का ए बी है, इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। कह रहा है कि इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। यानी कि हमें इसे क्या करना होगा जी, इन रक्त समूहों के साथ उनकी संगत बारंबारताओं को लिख देना होगा, एक सारणी बनानी होगी। बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर बाद में करेंगे, लेकिन पहले हमें क्या करना होगा, बारंबारता बंटन सारणी बनानी होगी। तो देख लीजिए, बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक तरफ रक्त समूह लिख लेंगे और एक बार छात्रों की संख्या, नीचे टोटल उसका कर देंगे कुल। चलिए देखिए, यहां पर लेते हैं रक्त समूह और इसमें छात्रों की संख्या जो दिया है वो, या विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, यहां चार प्रकार के रक्त समूह देख रहे हैं, एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा ओ है और फिर उसके बाद ए बी है। यही ना चार प्रकार के हैं। चलिए इनकी बारंबारता होते हैं, एक ही देखते हैं। एक कितना बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, नौ बार है। तो इसके छात्रों की संख्या 9 हो गई। रक्त समूह ए वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 9 है। बी वाले के लिए देखते हैं, एक, दो, तीन, तीन के बाद यहाँ चार, पांच, छः, ठीक है, छह है ऐसे छात्रों की संख्या। ओ वाले ब्लड ग्रुप ओ वाले, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 12 है ऐसे छात्र। और ए बी वाले देख लीजिए, एक, आगे देखिए दो, और एक यहाँ तीन, ठीक है ना जी। तो इन सबको जोड़ देते हैं, तो कुल योग यहाँ पे कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 30। तो ये हमारा बारंबारता बंटन सारणी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 30 विद्यार्थी हैं और यहाँ जोड़ने पे 30 आ गया। चलिए अब क्या कहना था, आगे कह रहा था कि बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह सबसे अधिकतम है। तो अधिकतम सामान्य ये पूछ रहा है, तो अधिकतम सामान्य कौन सा दिख रहा है जी, अधिकतम या अधिक सामान्य कौन दिख रहा है, अधिक सामान्य कौन सा ब्लड ग्रुप दिख रहा है। तो हमारा ब्लड ग्रुप ओ दिख रहा है, क्योंकि इसी के विद्यार्थियों की संख्या जो है, छात्रों की संख्या जो है, 12 दिख रही है, सबसे अधिक है। और सबसे विरलतम यानी कि कम, सबसे विरल की बात करेंगे, रक्त समूह कौन सा है जी, तो वह ए बी है, क्योंकि इसमें छात्रों की संख्या सबसे कम है ना जी। चलिए यही आंसर करना था, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर में दूरियां ये हैं। यहाँ पे मतलब जहाँ वो रहते हैं और जहाँ से वो काम करने जाते हैं, जहाँ पे काम करने जाते हैं, उनके बीच की दूरी 40 इंजीनियरों की घर से कार्यालय की जो दूरी दी गई है, किलोमीटर में यहाँ पे दिए हुए हैं 40 इंजीनियरों की। क्या कह रहा है कि 0 से 5 को, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है। तो जब 5 सम्मिलित नहीं है, यानी कि हमें क्या करना होगा, अतिव्यापी पर लेना होगा। पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए आंकड़ों को वर्गमाप 5 की वाली एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। इस सारणीबद्ध निरूपण में आपको कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं। तो चलिए उसका हम लोग आंसर करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पर हमें वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनानी होगी। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाने के लिए, मैं यहाँ पर देखिए क्या कर लेता हूँ, यहाँ क्या कह लूंगा जी, तो हम लोग इसमें ले लेते हैं जो वर्ग अंतराल होगा वो, दूसरा इसमें चाहो तो एक मिलान चिन्ह भी जोड़ सकते हो, और नहीं भी जोड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, पहले वाले क्वेश्चन में भी जोड़ सकते थे, ऐसे अच्छा लगेगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसमें दूरी को दिखाएंगे जो कि किलोमीटर में है, यहाँ पर मिलान चिन्ह ले लेते हैं, मिलान चिन्ह टेलीमार्क, और फिर यहाँ पे लेते हैं उनकी बारंबारता जो होगी कितने होंगे। चलिए तो अंतराल जो हमें लेना है 0 से 5 का परिमाण लेना है, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं करना है, यानी अतिव्यापी भी लेना होगा, तभी ना 5 को शामिल नहीं किया गया। 0 से 5 वर्गमाप 5 है, तो अगला क्या होगा, 5 से 10, इसमें 10 सम्मिलित नहीं होगा, 5 से लेके
9 तक ही होगा इसमें, ठीक है ना जी। फिर उसके बाद 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। देखो एक बार सबसे अधिक इसमें कहाँ तक दिख रहा है जी, सबसे अधिक इसमें देखा जाए तो 32 दिख रहा है ना, इसमें एक और बढ़ना होगा है ना जी। 32 दिख रहा है, और कोई दिख रहा है क्या? 31 दिख रहा है, यही लास्ट 32 ही है, यानी कि एक और बढ़ जाना होगा। यहाँ पर हम ले लेंगे 30 से 35, ठीक है ना जी। फिर 0 से 5 में देखो, 0 1 2 3 4 तक चलेंगे, ठीक है ना जी, पांचवा नहीं आएगा। तो एक, आगे देखते हैं, 2 3 4 5, पांच हो गई है। तो बरमरता 5 और मिलान चिन्ह में 1 2 3 4 और ये 5। फिर 5 से 10 में 5 सम्मिलित होगा, 6 सम्मिलित होगा, 7 8 9 तक जाएगा। 1 2 2 के बाद 2 के बाद 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 11 को हो रहा है। इसके लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 हो गया और 1 11। 10 से 15 में तो 10 11 12 13 14 तक लग गया। 10 से 15 में 1 1 के बाद यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 7 के बाद 7 के बाद 7 के बाद 7 के बाद 8 9 10 और ये 1 11, ये भी 11 हो रहा है। इसकी पारंपरता है मिलान चिन्ह इस तरह से लिख देते हैं, 5 10 और 1 11। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग 10 से 15 से 20 में, 15 20 में 15 16 17 18 19 तक ही लेना होगा। 15 से 20 में ऊपर कोई नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही हो रहा है 9। और यहाँ पर लिख देते 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 9 हो गया। चलिए अब इसके बाद 20 से 25 में, 20 से 25 में 1 25 नहीं शामिल होगा, 1 के बाद इसमें 1 के बाद कोई नहीं है, सिर्फ 1 ही है। फिर उसके बाद 25 से 30 में, 25 से 30 में 25 हो जाएगा 1, 30 इंक्लूड नहीं कर रहा है। 25 से 30 में, 25 से 30 में वही 1 है, 25 है ना ये 1। 30 से 35 में 1 ये रहा, 2 2 है, ठीक है ना जी, 2 है। तो अब अगर यहाँ पर मैं टोटल लेना होगा, यहाँ पे कर देते हैं कुल योग, इन सबको जोड़ देंगे बराबरताओं को, तो जोड़ने पे 40 आएगा। तो 40 हमारे 40 इंजीनियरों का आवाज से क्या कहते हैं कार असल की दूरी थी, तो वही सेम यहाँ पे जोड़ आ गया, 40 ही आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि इस सारणीबद्ध निरूपण में आपको कौन सा मुख्य लक्षण देखने को मिलता है। तो हम इसमें बहुत सा अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि ऐसे इंजीनियर जिनके घर से कार्यस्थल की सबसे ज्यादा दूरी 30 से 35 किलोमीटर है, जो कि ऐसे 2 इंजीनियर है, और 0 से 5 किलोमीटर तक की दूरी वाले इंजीनियरों की संख्या कितनी है, 5 है। ये लक्षण आप जो भी इसमें आपको दिख रहा है ना, आप उसको यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हैं कि 5 से 10 किलोमीटर और 10 से 15 किलोमीटर दूरी में इंजीनियरों की संख्या बराबर है, 20 से 25 किलोमीटर और 25 से 30 किलोमीटर वाले दूरी में इंजीनियरों की घर से कार्यस्थल की दूरी बराबर है। देख रहे हैं ना जी, उनकी बारंबारता बराबर है। वैसे इंजीनियर
जो 20 से 25 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, 25 से 30 किलोमीटर, वैसे इंजीनियरों की संख्या बराबर है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, आप कोई भी लक्षण इसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर, कह रहा है 30 दिनों वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता परसेंटेज में यह रही है। वर्ग पहले में कह रहा है, वर्ग 84 से 86, 86 से 88 आदि लेकर अति व्यक्त में लेना है, एक वर्ग की बट्टा बनाइए। पहले इसको बना लेते हैं, फिर इन दोनों क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए तो मैं यहाँ पर एक बंटर बनाता हूँ, उसके लिए हम लोग इसमें बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है ना जी, यही बना लेते हैं थोड़ा इधर करके, जगह भी है, अच्छा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, यहां जो दिया हुआ है सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में, यहां पे वर्ग अंतर लेंगे, सापेक्ष आर्द्रता, ठीक है, सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में, और उनके यहां पे संगत बारंबारता, वर्ग अंतर। देखिए पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कर रहे, समझे ना बात को, वर्ग अंतर लेना है 84 से 86, 86 से 88 इस तरह से। देख लो सबसे हाईएस्ट इसमें कहां तक गया है, 99.2 दिख रहा है इसमें, यानी कि अभी 100 तक इसे ले जाना होगा, है ना जी। और फिर उसके बाद 88 से 90, 90 से 92, 92 से 94, 94 से 96, 96 से 98, 96 से 98, और फिर 98 से 100, यही ना हो जाएगा जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, तो 88 से 84 में देखते हैं, 84 से 86, एक यहाँ पे हो रहा, और कोई हो रहा, और कोई नहीं हो रहा, एक हो रहा। 86 से 88 एक, 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 एक ही होगा। फिर उसके बाद क्या है, 88 से 90, एक, 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 दो, दो हो जाएगी। फिर उसके बाद 90 से 92, एक, एक के बाद, एक के बाद, एक के बाद, यहाँ पर इसमें भी नहीं है, कहता है जी 90 से 92, ये भी नहीं आएगा, दो, दो होगा इसकी बारंबारता। फिर 92 से 94, एक, एक के बाद, एक के बाद, दो, तीन, चार, पांच, 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 छः, छः के बाद 7, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, 94 से 96, एक, 94 से 96, एक के बाद, दो, तीन, 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 तीन के बाद देखिए 94 से 96 है, चार, पांच, नहीं पांच 94 से 96 ये नहीं आएगा, चार, और भी कोई हो रहा है क्या, फिर से एक बार मिला ले क्या 94 96 में,
94 से 96, एक एक के बाद दो, तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, नहीं पांच ये इसमें नहीं है, चार ये होगा, 94 है, 94 में नहीं है, चार, पांच, पांच, छः, और कोई नहीं हो रहा, छः हो रहा। 96 से 98 में देखते हैं, 96 से 98 में, 96 से 98 में, 96 से 98, एक, 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 दो, दो के बाद तीन, चार, पांच के बाद छः, और ये सात, सात हो जाएगा इसकी बराबर। फिर 98 से 100 में देखते हैं, एक, दो, तीन, और यहाँ पे चार, और कोई तो नहीं ना हो रहा है जी। चलिए तो यहाँ पे ये चार हो जाएगा, और इन सबको टोटल कर देते हैं तो कुल योग कितना आ जाएगा जी? कुल योग जो आ जाएगा यहाँ पे 30 आ जाएगा, जोड़ के देख लेना। अब देखिए क्या कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में, क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु में किस महीने या ऋतु से संबंधित हैं? अच्छा, ये आंकड़े जो दिए गए हैं किस, तो देखिए अधिक सांद्रता है, लगभग सब में देख रहे थे 84 से ऊपर अधिक सांद्रता है, तो ऐसे प्रतीत क्या हो रहा है कि इस आंकड़े से कैसा मौसम हो रहा है, कि आंकड़े वर्षा मौसम के होंगे, है ना जी, है ना? क्योंकि सापेक्ष सांद्रता अधिक है, सापेक्ष सांद्रता, सॉरी आर्द्रता, आर्द्रता अधिक है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि आंकड़े आंकड़े वर्षा मौसम के हैं, वर्षा के मौसम के हैं, ठीक है ना जी, वर्षा के मौसम के हैं, ये हम लोग ऐसा प्रतीत हो रहा है। तीसरा देखते हैं, इन आंकड़ों का परिसर क्या है? तो परिसर निकालने के लिए जानते हैं सबसे उच्च मान में से सबसे निम्न मान को घटना, तो सबसे उच्च अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे था, देखो ना, 99.2, और सबसे कम देखेंगे तो 84 समथिंग कुछ होना चाहिए, देख लेते हैं, 84.9, यही ना हो जाएगा जी, तो इसमें से इसको घटा देते हैं तो 14.3 आ जाएगा, ठीक है ना जी, तो ये हो जाएगा इसका परिसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निकटतम सेंटीमीटरों में मापे गए 50 विद्यार्थियों की लंबाई ये है। हमें फर्स्ट में क्या रहा है कि 160 से 165, 165 से 170 आदि वर्ग अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों को एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में निरूपित करें। पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं फिर आगे इस पे देखेंगे। चलिए तो पहले हम लोग यहाँ पर एक बना लेते हैं आंकड़ा, उनको दर्शा देते हैं, एक मैं यहाँ पे चार्ट बना लेता हूँ, पहले नंबर का आंसर मैं कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसमें दो चीजें चाहिए, एक बारंबारता और एक वर्गमूलता, नहीं ना जी। चलिए तो इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से बना देता हूँ। चलिए यहाँ पे बारंबारता क्या है, लंबाई दर्शाई गई है, वर्ग अंतराल की लंबाई दर्शाई गई है यहाँ सेंटीमीटर में, ऐसे नहीं लिखेंगे जी। और यहाँ पे उनके संगत बारंबारता या विद्यार्थियों की संख्या भी ले सकते हैं, ठीक है ना जी। तो क्या लेना है जी यहाँ पर, इस तरह का 160 से 165, 165 से 70, तो देखो इसमें ये 160 से शुरू नहीं हो रहा है आंकड़ा, इसमें छोटा भी है, देखो यहाँ 153 भी आ जा रहा है ना जी, 152 भी आ जा रहा है, तो हमें क्या करना होगा, 150 से शुरू करना होगा, 150 से 155,
फिर 155 से 160, फिर 160 से 165, फिर 165 से 170, फिर 170 से 175। अब देख लो एक बार कि इससे ज्यादा भी है क्या कोई, 175 तक तो कोई है नहीं, अब इससे 175 से ज्यादा इतना ही रहने देते हैं। चलिए तो 150 से 155 में आएंगे, जिसमें सब 150, 151, 152, 153, 154 तक गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6 के बाद 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 के बाद इसमें देख लो 11, और कोई भी है कि एक बार और देख लेते हैं, और 11 के बाद और कोई है देख लेते हैं। 150 से 155 चल रहा है ना जी, 150 से 155, 150 से 155 में, 150 से 155 में है ना जी, ये भी रहा 153 है ना जी, तो टोटल 12 हो रहे हैं। फिर 155 से 160 में देखते हैं कितना हो रहा है, 155 से 160, 155 से 160 में, 155 से 160, 1, 2, 3, 3 के बाद, 3 के बाद, 3 के बाद, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, इसके बाद 4, 5, 5 के बाद 6, 7, 8 और ये 9, टोटल 9 हो रहे हैं। फिर 160 से 165 में देखते हैं, 160 से 165, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 के बाद यहां पर देखो 8, ठीक है ना जी, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, और कोई बचा, 160 से 165, 160 से 165, 160 से 165 में और देखना है, ये रहा 14, ठीक है। फिर उसके बाद 165 से 170 में, 165 से 170, 1, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद, 3 के बाद 4, 5, 6, 6 के बाद 7, 8, 9, 9, 8, 9, 165 से 170 है ना जी, देख लेते हैं और कोई बच रहा है, 165 से 170, अच्छा देखो ना ये आपका फिर से गिन लेते हैं 165 से 170 में, 165 से 170, 165 से 170 ना, 1, 2, 2 के बाद, 2 के बाद, 2 के बाद, 2 के बाद, इधर
दो के बाद इसमें, दो के बाद 165 से 70 के बीच में, 165 से 70, 165 से 70, तीन, नहीं सॉरी 165 नहीं, दो ही हुआ, तीन चार पाँच छ, छ के बाद 165 से 170, 165 से 170, 165 से 170, 6 के बाद 7, ठीक है ना जी, 8, 9, ठीक है ना जी, और कोई हो रहा है इसके आगे? 9 ही हो रहा है, नहीं टोटल 10 को होना चाहिए। एक बार फिर से मिला लेते हैं, ठीक है ना जी, गड़बड़ हो जा रहा है। एक दो 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 के बाद, दो के बाद, दो के बाद तीन, ठीक है, तीन 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 के बाद, तीन के बाद 165 था ना जी, 165 से ऊपर, तीन के बाद चार पाँच छ सात, सात के बाद इसमें देख लेते हैं, सात के बाद 165, सात के बाद आठ नौ दस, दस होगा। अच्छा 170 से 175 में देख लो, 170 से 175 में यहाँ पे एक दो तीन चार पांच, ये ना हो रहा जी, पांच, इनको टोटल कर देते हैं तो ये टोटल जोड़ने पे आ जाएगा यहाँ पे 50, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं कुल योग आ गया आपका यहाँ पे 50। अब देखिए सेकंड नंबर क्या आ रहा है, इस बार इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाई के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ अगर हम लोग इस आंकड़े आंकड़े में देखें यहाँ से, तो हमें इस सारणी से देखने में पता चल रहा है कि आधे से आधे विद्यार्थी जो है ना, आधे से अधिक विद्यार्थी जो है ना, इनकी लंबाई जो है 165 सेंटीमीटर से अधिक है ना जी, नहीं 160 सेंटीमीटर से अधिक है ना जी। यहाँ पर लिख सकते हैं कि 50% से अधिक विद्यार्थियों की लंबाई लंबाई 160 सेंटीमीटर और उससे अधिक है, कोई भी आप इसमें निष्कर्ष लिख सकते हैं ना जी, या फिर आप ये कम वाला ही लिख देते हैं कि 165 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाले 50% से अधिक विद्यार्थी हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना जी। तो आप कई तरह से आप ये इस सारणी के हिसाब से आप कोई भी आंसर दे सकते हैं, कोई भी आपको संबंध यहाँ पे दिख रहा होगा वो दर्शा देंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते, पढ़ सकते। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।